हेलो, वेलकम टू राग नाइट अरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी, आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी। आपके पर्सन और आपकी नहीं, खाली हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सर्टोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा एक एम्परर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, बहुत ज़्यादा जैसे अपनी मनवाना चाह रहे हैं, अपनी उनको अपनी ही तरीके से इस कनेक्शन को चलाना है। ठीक है, अगर उनको 20 टाइम बात नहीं करनी तो नहीं करनी। बहुत एक एम्परर वाली पोजिशन है, बहुत ज़्यादा स्टर्बन नेचर है इस पर्सन का। ठीक है, मतलब कि जो ये जिस तरीके से ये पर्सन चाह रहा है इस कनेक्शन को चलाना, ये उसी तरीके से चलाएगा। जिस तरीके से स्टेबिलिटी तक पहुंचना चाह रहा है उसी तरीके से पहुंचेगा। ठीक है, बिल्कुल दी चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस पर्सन को अपने तरीके से मोल्ड नहीं कर सकते। एक फ्लैक्सिबल होने वाला पर्सन नहीं है जो आपकी सुन ले, जो आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आसानी तैयार हो जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जैसे रिजिड हुआ हुआ है इस टाइम फ्रेम पर, कोल्ड हुआ हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं करंट एनर्जी और पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी कोल्ड देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आप भी अपनी एक एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि खुद को आप हील कर रहे हैं, खुद को ध्यान दे रहे हैं। अगर ये पर्सन रिजिड है, अगर ये पर्सन टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, अगर ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, तो आप इसके कंट्रोल में नहीं आने वाले इस टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये पर्सन आपको कोशिश भी कर ले कंट्रोल करने की, तब भी आप कंट्रोल नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब किस टाइप की एनर्जी है कि पर्सन जितना ही चाहे आपको कंट्रोल करना, तो इस टाइम फ्रेम पे आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आप कोल्ड हुए हैं इस वक्त। आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आप अकेले पड़ गए थे ना, अपना ये बहुत इमोशंस को लेकर आप बहुत अकेले पड़ गए थे, बहुत साइलेंट, बहुत डिटैच हो गए थे। तो यहाँ पर आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सारे एसेस आपके अंदर एक न्यू बिगनिंग चल रही है। आप इमोशनली इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं, वॉक अवे, इतना बंदा हुआ फील करा कि आपने इमोशनली डिटैचमेंट करी इस पर्सन से। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है आपका। ये पर्सन अभी भी आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आप इसके तरीके से चलें, लेकिन आप फूल देखें, एक लीप ऑफ फेथ, खुद को आप इसका बिना हील कर रहे हैं। आपको लगता था कि आपने इसको हील किया है, आपकी हीलिंग इस पर्सन के थ्रू होगी, लेकिन नहीं, आपकी हीलिंग भी आपको खुद को ही करनी है। आप अपने आप को हील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ आप स्टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद को आप इमोशनली फुलफिल करना चाहते हैं खुद के लिए। फ़िलहाल इसके लिए आपका अपना आप इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इस वक्त इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी है, हर चीज़ ही अपने तरीके से करवाना चाहता है और आप इस तरीके से करना नहीं चाहते। ठीक है, करंट एनर्जी और पार्टनर, लेट्स सी इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा देख रहे हैं, आप कंपटीशन वाली एनर्जी में, आप इस पर्सन से इस वक्त बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होंगे, या आप इस सिचुएशन में कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं इस पर्सन से। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, आप पास्ट में बहुत स्लीपलेस नाइट्स में रहे हैं और स्टक रहे हैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे आप खुद को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपके काम को लोग वैल्यू कर रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिसिएशन मिल रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, इस चीज़ से आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। पास्ट में यहाँ पर आप बहुत स्टक थे, स्लीपलेस नाइट थी ना, आप जब तक आपने इस कनेक्शन से खुद को बाहर निकालने का फैसला नहीं किया, उस वक्त तक आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और नेगेटिविटी में रहे। ठीक है, एक एप्रिसिएशन मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, यहाँ पर आपको रिकॉर्गनाइज़ किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को समझा जा रहा है। तो मतलब कि एक बहुत अच्छी वाइब है इस कनेक्शन में। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ये सब कुछ देख रहा है,
अभी भी रिजिड है, कोल्ड है, कोशिश कर रहा है आपको अपने तरीके से मोल्ड कर ले, लेकिन ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, ठीक है, आपको पावर में देख रहा है कि आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड कर रहे हैं। करंट एनर्जी और पार्टनर, आपके पर्सन के करंट एनर्जी में इसका मतलब ये है कि फोकस बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे। फोर ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आप, ये जानता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, फोर ऑफ वैंड्स चाहते हैं, ये भी आपके लिए स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन ये अपने तरीके से चाहता है और आप चाहते हैं कि अब बस हो जाए मैरिज, ठीक है, अब बस हो जाए कमिटमेंट, अब बस हो जाए चीज़ें, जितनी भी स्टकनेस थी वो रिमूव हो जाए अगर यहाँ पर कुछ होना है। बिल्कुल यहाँ पर आप इस तरीके से ही सोच रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड के साथ बहुत कोल्ड एनर्जी आपके कनेक्शन की हुई हुई है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सक्सेस, आप जिस फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क में हैं, जॉब कर रहे हैं, घर में हैं, कोई भी छोटा सा भी काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटी सी भी आप अपनी लाइफ में, आप अपने अपनी आप घर को देखते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं, मतलब कि आपके अंदर कुछ चेंज है जो सक्सेसफुल आपको होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है, अब वो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चाहे आप इससे दूर रहकर परेशान रहते हो तो आप इस, आपको सक्सेस इसी में मिल रही है कि आप खुश हैं, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आप अपनी, आप डिटरमाइंड हैं, आपको चाहिए तो मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपको क्या वेट नहीं करना, अब आपको सब्र नहीं करना। ये पर्सन कोल्ड और डिटैची पर्सन देख रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन को जैसे एक टक्कर दे रहे हैं, मैंने कहा एक बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिशन वाली एनर्जी, यहाँ पर कोई फादर फिगर भी हो सकता है, यहाँ पर किसी की फैमिली स्ट्रॉन्गली रोल अदा कर रही है, जो मैरिज ये पर्सन भी चाह रहा है और आप भी चाह रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, ठीक है, कोई फादर फिगर हो सकता है यहाँ पर, आप अकेले हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा साइलेंट है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने जैसे अपने अपने गोल्स या अपने आप को सर्च कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आप अपने अंदर की एक सर्चिंग एनर्जी पे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत करीब से एनालाइज़ कर रहा है, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा कि ये पर्सन आपको बहुत करीब से एनालाइज़ कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल देखिए, ये पर्सन आपको अपने आप से दूर, मैंने कहा ना इसको लग रहा है कि आप बैलेंस हैं, आप खुश हैं, देखिए आप न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, वॉक अवे सीन है आपका, ठीक है, आप वॉक अवे सीन है, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, इस वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा, चैरियट, आपको यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व लगता है, आपको लगता है इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं और ये उसकी वजह से आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन यहाँ पर एक वॉक अवे सीन है, ठीक है, इमोशनली आप इस कनेक्शन से डिटैच हैं, यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है, आपके अंदर बैलेंस बन चुका है, आप इस बैलेंस की वजह से इस कनेक्शन में इस एक साइकिल को एंड कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग का एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन है, आप लोग ज़्यादातर बात ही इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो एक वॉक अवे सीन है, आप इस सर्कल को ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, एक डिटैचमेंट आपके अंदर, जैसे आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में, पास में आप रिजिड थे, बहुत होल्ड करते थे इस कनेक्शन को, इस पर्सन को आप जाने नहीं देते थे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब आपको जो आपको अब जैसे दूर रहकर जो बर्डन रिलीज़ हो रहा है आपका, आपको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको वो पीस दे रहा है, जो बर्डन आपके ऊपर बना हुआ था ना वो रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ का। करंट एनर्जी और पार्टनर, आप इमोशनली तो इस पर्सन से डिटैच हैं, स्ट्रक ये पर्सन आपके ऊपर स्ट्रक, इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे, ठीक है, मैंने कहा ना मैरिज तो ये भी चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई ना कोई इशू, इस पर्सन को भी हीलिंग की नीड है, ये भी इंसान इस वक्त अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, मून के साथ इसने आपसे झूठ बोले, ठीक है, बहुत इसने आपको झूठ बोले, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल सिचुएशन है, बहुत जैसे यहाँ पर आप इस पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते, इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले, ये पर्सन खुद को अभी हील करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, आपकी तरफ आना भी फेयरफुल है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हाइड करी हुई हैं, पूरा सच आपको अभी तक नहीं पता, इस कंडीशन का, इस कनेक्शन का कम्प्लीटली ट्रुथ आपके सामने नहीं है, ठीक है, हीलिंग की नीड है इस पर्सन को, इस पर्सन को लगता है अगर ये आपकी तरफ आया बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज़्यादा फाइट होगी, आप दोनों के बीच एक लड़ाई रखी है अगर ये पर्सन आपकी तरफ मूव करता है तो, ठीक है। ओके, फीलिंग ऑफ लॉस में आपकी इस एनर्जी को देखकर चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग बन जाए, फीलिंग ऑफ लॉस है, ठीक है, एक 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 डर रहा है इस पर्सन का दिल, क्योंकि ये बात जानता है कि आप
आपको कहीं ना कहीं ये लूज़ कर चुका है, ठीक है, कर नहीं रहा है, लूज़ कर चुका है, फीलिंग ऑफ लॉस है, जैसे कुछ वक्त पे ना समझने का। देखें, फाइव ऑफ कप्स जब आता है, जब लव होता है जिस सिचुएशन में, इसको लव तो है लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम्स साथ लगी हैं उनके उनके लिए कोई हल नहीं है। डिवाइन से सेकंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में। देखें, बहुत ज़्यादा एक मिररिंग एनर्जी है, पर्सन मिरर कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको मिरर कर रहे हैं, ठीक है, आप एक मिररिंग एनर्जी में हैं। ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है लेकिन इसको लग रहा है झुकेगा कौन, कितने कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। झुकने की बात नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर ये कोई स्टेबिलिटी दे दे आपको, आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, ठीक है। अगर सेकंड चांस चाहिए तो इसको स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। इस पर्सन को एक डर ये भी है, आप कोई लूज ना कर दे, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए। एस ऑफ पैंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं। जो आपकी बिगनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, या तो आप बहुत एक सॉलिड एक स्टेबल बिगनिंग्स कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको पता है आप टेन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लोग आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स हो सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट हो सकते हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, स्ट्रॉन्ग बिगनिंग करने जा रहे हैं आप, बहुत स्ट्रांग होकर बहुत टाइम बाद अपनी ज़िंदगी को एक स्टेबल मुकाम पर लेकर जाना चाह रहे हैं। इस पर्सन पहले आप इस पर्सन पे डिपेंड करते थे, ये आपकी लाइफ को एक सक्सेस दे, एक बिगनिंग दे, एक स्टेबिलिटी दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप इस पर्सन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। फाइव ऑफ सूट, यहाँ पर फाइव ऑफ सूट की एनर्जी है। यहाँ पर इस पर्सन को आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको जब भी मैरिज की बात आती है तो डिसेप्टिविटी होती है यहाँ पर, मतलब कि मैनिपुलेट करना चाहता है ये पर्सन, आपको इल्यूजन में रखता है। आप इस पर्सन से चाहते तो मैरिज करना है लेकिन अब आपको ट्रस्ट जैसे एक कम है, एम्प्रेस एंड एम्परर। आप इस पर्सन से बैलेंस तो करना चाहते हैं लेकिन एक होता है ना कि आप स्टार्टिंग से ही जो आपका एक माइंड सेट था वो स्टेबल था, कमिटमेंट चाहिए थी, मैरिज चाहिए थी, बहुत कुछ सोचा, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई, डिसेप्टिशन हुई, डिसेप्टिविटी यहाँ नज़र आती है। मून की एनर्जी है, आप इस पर्सन पे यकीन करने से घबरा रहे हैं। पास्ट में आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, पास्ट में आपने इस पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड करा जो आप कर सकते थे, वो सब कुछ दिया जो आप दे सकते थे, ठीक है, लेकिन एक इल्यूजनरी है यहाँ पे, इल्यूजनरी चीज़ें आप दोनों के बीच, आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो कम्प्लीट ट्रस्ट होता है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। डिटरमाइंड है अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस लाएंगे, देखिए डिटरमाइंड है, बस आपका प्रॉब्लम यहाँ आया, आपका इरादा यहाँ चेंज हुआ है कि आपको इस पर्सन से मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको आपके पास, इस पर्सन के पास पैटर्न आपको थोड़ा सा खौफजदा करते हैं, आपको थोड़ा सा ये करते हैं कि आपको उस पर्सन के, यही पर्सन है जिसके साथ आपको मैरिज करनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में इस बार इमोशनली बिगनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकली शो करना चाहते हैं, मतलब कि आप एक अपनी बहुत माइंड सेट से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हुए हैं, ठीक है, स्ट्रांगली बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे टू एसेस आ चुके हैं, एस ऑफ फैंट, एस ऑफ पैंटिकल, डिटरमाइंड है आपको, ठीक है, बिगनिंग करनी है। आपके पर्सन किस एनर्जी में, ये स्टक एनर्जी में, कोई भी ना हरकत कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बार बार सोच रहा है पर्सन आपकी तरफ मूव करने का, आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ एक्शन लेने का, लेकिन ले नहीं रहा है, ठीक है। बहुत मैरिज करना चाहता है, साइलेंट ट्रीटमेंट दोनों दोनों तरफ है लेकिन यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल। ये पर्सन चाह रहा है आपको कोई टेक्स्ट करे और आपको रोके, ठीक है, इमोशनली आप इस पर्सन से डिटैच हो रहे हैं, ये बात ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, बिल्कुल इसका माइंडसेट है कि आपकी तरफ एक रश, एक जैसे बहुत सडन कोई आपकी तरफ ये एक्शन ले सकता है, सडन कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, फुल बिगनिंग करना चाहता है, हीलिंग ये खुद चाह रहा है इस कनेक्शन की, और आपकी हीलिंग हो जाए, ठीक है, इस कनेक्शन की भी हीलिंग हो, इसकी खुद की भी हीलिंग हो। ये अब लाइट एनर्जी की तरफ जाना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क रहा आपका कनेक्शन, बहुत सफ़र, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आप होल्ड बैक ना करें, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली हाइट कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, कम्युनिकेशन में नहीं आ रहे, इमोशनली आप हाइट कर रहे हैं, बात आप सही से नहीं कर रहे, ठीक है।
रिकंसाइलेशन चाह रहा है ये पर्सन आपसे, कम्युनिकेशन करके ये पर्सन चाहेगा आपसे रिकंसाइलेशन पे आना, आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना, ठीक है। हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस पर्सन के लिए एक नाइन ऑफ सोर्ट्स एक स्लीपलेस नाइट वाली बात है। मतलब कि इस पर्सन को पता है अगर आप किसी चीज़ पर डिटरमाइंड हो गए तो आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देख रहा है आपको इमोशनली लॉस्ट होते हुए, इमोशनली इस बात को फील कर सकता है आप इमोशनली इस कनेक्शन में कनेक्टेड नहीं हैं, इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली आपका ध्यान, आपकी सोच कहीं और किसी और तरफ है, ठीक है। ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ ऐसा, मतलब कि ऐसा कि ये कनेक्शन को हील कर सके, एक हीलिंग की तरफ ले जा सके, ठीक है। फोर ऑफ पैंटिकल के साथ ये जैसे अगर कुछ होल्ड बैक कर रहा था, अब आपको सक्सेसफुल होते हुए न्यू बिगनिंग करते हुए आपको कुछ देना चाहता है जिससे आपको पता चले, जिससे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ मतलब कि आप ट्रस्ट कर सकें इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रिकन्साइलेशन करना चाहता है। नाइन ऑफ सोर्ड के साथ एक स्लीपलेस नाइट है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बैलेंस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा, अगर आप ये पर्सन आए भी, अगर आप कुछ डिसीजन ले चुके हुए या तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा स्टेबल पर्सन आ गया, स्लीपलेस नाइट वाली एनर्जी, आप वॉक अवे इस पर्सन को नज़र आ रहा है या आप बातें नहीं कर रहे, आप कंप्लीटली सोल सोच आपका थाट प्रोसेस सब कुछ एक वॉक अवे पजल हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। ये अपने ड्रीम्स में आपके साथ आधी ज़िंदगी जीता आया है लेकिन अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, सेकंड चांस चाहता है, इसको नहीं पता ये सब कुछ कैसे होगा, बहुत ज़्यादा पजल हुआ हुआ है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है इस वक्त ये। नाइन ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा ना ड्रीमिंग एनर्जी बहुत है, ड्रीम बहुत करता है, आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ लाइफ हो, प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ एक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ करता नहीं है, ठीक है। ऑब्सेसिव एनर्जी कभी भी नहीं जाएगा कि आप इसको छोड़ के किसी और की लाइफ में कनेक्ट करें, इस पर्सन के इस वक्त की इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। ये अभी भी क्या सोच रहा है, बहुत ज़्यादा वो ये ड्रीमी एनर्जी, ठीक है। दी चैरियट के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, दी चैरियट के साथ आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। हाई प्रेस्टिस बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हुआ हुआ है, पेशेंस रख रहा है, प्लानिंग कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन कन्फ्यूजन है इसके पास, देखें बिल्कुल यहाँ पे इस पर्सन के पास कन्फ्यूजन है, पजल है, कन्फ्यूजन है, सेकंड चांस बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रांगली एक एंडिंग वाली एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको इस कनेक्शन में सेकंड चांस चाहिए, ठीक है। देखिए टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ, ड्रीमी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एक्शन कुछ नहीं है। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी तरफ बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल स्ट्रांगली इस कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाहता है, स्ट्रांगली यहाँ पर इस कनेक्शन में एट ऑफ सिक्स ऑफ पैंटिकल ये बैलेंस चाहता है, ये एंडिंग हो चुकी है, पेनफुल एंडिंग है इस पर्सन के लिए जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये नहीं चाह रहा, इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है, आप किसी और की तरफ चले जाएंगे, ये आप इसके हैं, आपके ऊपर पावर किसका था, इसका था, आप किसके कंट्रोल में थे, इसके थे, आप किसी और के कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक कंप्लीट इस पर्सन के काउंटर पार्ट की तरह हैं, यहाँ पे है एम्प्रेस और यहाँ पे है एम्परर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक फुलफिलिंग वाली एनर्जी है, ये पर्सन आपसे एक फुलफिल होता है, एक कंप्लीशन देख पाता है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए। ओके मिरेकल, आपको यहाँ पर पेशेंस से इंतज़ार करना चाहिए, डिवाइन बैक ऑफ द स्टोरी कुछ वर्क कर रहे हैं आपके कनेक्शन में, मिरेकल हो सकता है, आपको रिजेक्शन फील हुई हो पास्ट में, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड सा फील हुआ, कोई कंप्लीशन आया है आपके कनेक्शन में, ठीक है। कोई ना कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर भी इस चीज़ की है कि कुछ साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई कंप्लीशन आया है, कोई एक साथ आप लोगों के बीच कोई कंप्लीशन हुआ है इस वक्त, ठीक है। गॉसिप्स, इस कनेक्शन में जिन लोगों को पता है, लोग इस टाइम फ्रेम पर आप लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आपके साथ आपकी तरफ कुछ करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, इस बात को समझ रहा है, अकेलेपन का शिकार है आपके ना होने से, कुछ देखें कंप्लीट हुआ है तो एक दूसरे को कंप्लीशन फील भी हो रहा है कि एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद पता नहीं स्टार्ट हो या नहीं ग्रोथ, इस कनेक्शन में ये पर्सन अब ग्रोथ चाह रहा है, ठीक है। रिलीज़, अगर कुछ माफ़ करना था तो माफ़ करने को तैयार है, अगर आपसे माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगने को भी तैयार है। देखें फॉरगिवनेस, यहाँ पर फॉरगिवनेस, यहाँ पे कुछ है जो इस पर्सन ने पास में किया है, ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाह सकता है, फॉरगिवनेस मांगेगा क्योंकि ग्रोथ चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अकेला फील कर रहा है, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई रिजेक्शन का फेस रहा है, ठीक है, स्ट्रांगली कोई रिजेक्शन रही है, बिल्कुल कनेक्शन में ये स्टार्ट रिजेक्शन से हुआ है, कनेक्शन इस वक्त जिस पॉइंट पर भी है, जैसे एक स्टक है, हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा,
ये चलेगा, ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहा है अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूव करते हुए, आपको किसी मिरेकल का वेट करना है, कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आया है, ये पर्सन भी मैरिज करना चाहता है, ये पर्सन भी, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइड कर रहा है। इस पर्सन ने ये बात भी सच है, आपसे झूठ सच कहे हैं इस कनेक्शन में। इस पर्सन ने यहाँ पर कोई ना कोई डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी पास में ये पर्सन रहा है, लेकिन इस टाइम ये पर्सन आपको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको अपने 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 लेवल का समझ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ कनेक्ट रहने में, आपके साथ कनेक्शन बनाने में, अकेलेपन का शिकार है, ठीक है। आप भी कंप्लीशन को देख रहे हैं, कंप्लीशन आ चुका है, आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना, ये पर्सन आपका, आप मेल है या फीमेल है, ये आपका काउंटर पार्ट था आपके आपके ड्रीम में, आप जब इस साइकिल में आए थे तो आपने इस पर्सन के साथ ड्रीम देखा था कि आपकी और इसकी फैमिली होगी, कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है इस कनेक्शन में, लेकिन आप हो सके तो लोगों से इस कनेक्शन के बारे में कम से कम कम्युनिकेट करें, क्योंकि लोग जो है ना गॉसिप्स कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता आपका, आप यहाँ पर किस कंडीशन में और ये पर्सन किस कंडीशन में, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर परेशान हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, ये पर्सन भी करें और आप भी करें। अगर ये पर्सन, आप इस कनेक्शन को चाहते हैं तो आपको इसको माफ़ करना पड़ेगा, ये अकेलेपन का शिकार है, ग्रोथ चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।